जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप भी SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे लेके आए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट है कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं मेडिकल में फिट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों आपके सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले आपकी फाइनल कट की, जो आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, 100% प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में 2015 में जो मेडिकल हुआ उसमें कितने अभ्यर्थी बाहर हुए, तो यहां पर आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो कैसे बढ़ पाएगी। दोस्तों 2.5 गुना अभ्यर्थियों को तो यहां पे पास किया गया, तो यहां पर सबसे पहले मैं दोस्तों आपको विद प्रूफ सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों तो यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह बात सभी दोस्तों के पास में पहुंच जाए और उनको भी यह घबराहट है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो भी डाउट उनका क्लियर हो जाए और उनका सिलेक्शन यहां पे अब होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों चैनल के चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको SSC GD कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, क्योंकि दोस्तों हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ जो ये मानते हैं कि 1,75,370 अभ्यर्थी यहाँ पर आपके मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए। तो दोस्तों आपका डाउट्स मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, 1,75,370 अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए गए मेडिकल के लिए। दोस्तों ये वो अभ्यर्थी है जो 1,75,370 है, उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, उसके बाद में यहां पर 25,000 के लगभग अभ्यर्थियों को यहां पर बाहर कर दिया गया दोस्तों, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो अब मेडिकल के लिए मात्र 1,50,000 के लगभग अभ्यर्थी बचे हैं, जिनमें से दोस्तों मेल और फीमेल दोनों हैं। अब यहां पर अलग अलग दोस्तों अगर मैं आपके कट ऑफ की बात करूं, फाइनल कट ऑफ की बात करूं, तो यहां पर आपकी फाइनल कट ऑफ कैसे बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो कैंडिडेट है वो भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर यहां पर बात करें आपकी फीमेल की SSF की अगर वैकेंसी की बात करें, तो सबसे पहले देख लीजिएगा SC के 14 ही यहां पर है, ST के 21 है, OBC 41 है और जनरल के यहां पर 75 महिला है। तो दोस्तों यहां पर वैकेंसी और इसको आप कंप्रोमाइज करें तो यहां पर 2 गुना वैकेंसी या 2.5 गुना वैकेंसी है, जो 2.5 गुना कैंडिडेट को यहां पर मेडिकल के लिए बुलाया गया। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी है जहां पर एक भी बंदा एक पोस्ट के लिए एक ही बंदा मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो पाया, तो वहां तो वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो आपकी फाइनल कट ऑफ कैसे बढ़ सकती है दोस्तों मैं बता देता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हो, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर SC के 14 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाए मेडिकल के लिए और ST के 12 है, जबकि OBC के 48 है और जनरल के 239 है। कुल मिलाकर अगर आप यहां पर बात करें तो दोस्तों लगभग 400 अभ्यर्थी यहां पे 300-350 अभ्यर्थी यहां पर मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो पा रहे, इतनी यहां पर वैकेंसी भी है। तो यहां पर मेडिकल के लिए भी उतने ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए जितना की वैकेंसी है, तो यहां पर एक भी गुना ज्यादा नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे मिलेंगे आपको दोस्तों जहां पर जितने अभ्यर्थी लेने उतनी ही यहां पर वैकेंसी है, उतने ही अभ्यर्थी यहां पर मेडिकल में क्वालिफाई हो पाए, मतलब मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो पाए। तो आपकी वैकेंसी कैसे बढ़ेगी, नॉर्मली दोस्तों वैकेंसी कैसे बढ़ेगी तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपके 2.5 गुना, जी हां दोस्तों 2.5 गुना अभ्यर्थी यहां पर मेडिकल के लिए बुलाए गए। जी हां दोस्तों 2.5 गुना में कैंडिडेट यहां पर मेडिकल के लिए बुलाए गए। आपको जैसा कि पता है, अगर आपने कभी मेडिकल दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का आर्मी से थोड़ा इजी होता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज का अगर मेडिकल की बात करें तो हाल ही में जो मेडिकल आपका BSF ट्रेड्समैन का पैरामिलिट्री जिन्हें ही करवाया था दोस्तों, मैंने उसका एवरेज देखा था, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात भी की थी, उन्होंने बताया कि सर 20 अभ्यर्थी बुलाए थे एक बेस में और लगभग 8 से 10 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे थे, 50%। जी हां दोस्तों 50% अभ्यर्थी मेडिकल में बाहर हो रहे। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 50% अगर मेडिकल में अनफिट हो रहे, 2.5 अभ्यर्थी यहां पर क्वालिफाई किए, तो यहां पर बचे तो 1.5 है या? जी हाँ दोस्तों 1.5 गुना ये अभ्यर्थी यहाँ पर बचे। उसके बाद में आपका क्या होना है, डॉक्यूमेंटेशन होना है। जी हाँ दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है, अगर बात करें राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली की, तो यहाँ की कट ऑफ है सबसे हाई गई है। दोस्तों सबसे हाई कट ऑफ जाने का मतलब यहाँ के अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कट ऑफ 83 चली गई है, तो दोस्तों 83 कट ऑफ, 83 से अबाउ, जिनके नंबर 91 नंबर बन रहे, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके 97 भी नंबर यहाँ पर बन रहे, वो एक दो अभ्यर्थी ऐसा भी मिला है जिसके 100 में से 100 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो दोस्तों वो अभ्यर्थी है उनका और भी सिलेक्शन हो रखा है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि सर मेरा
रेलवे में भी सिलेक्शन हो रखा है, मैं रेलवे में जाऊंगा, तो ये वैकेंसी आपकी खाली रहने वाली, तो 0.5 आपका यहाँ पे अब्सेंट भी रह सकता है, तो एक वैकेंसी के लिए एक पोस्ट ही रही। ये बता रहा हूँ दोस्तों राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली वालों को, जबकि अदर स्टेट है उनमें आपकी कट ऑफ है 1% भी नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन बात करें राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली तो इनकी कट ऑफ आपके 0 पॉइंट, जी हाँ दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बढ़ सकती है। फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की भी 0 पॉइंट बढ़ सकती है, जो भी स्टेट राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली वालों की, और के अलावा फीमेल नो टेंशन रहे, उनकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। साथ में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, इन स्टेटों की बात छोड़ के, राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली मध्य प्रदेश, इन स्टेटों को छोड़कर अदर जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के साउथ के जितने भी स्टेट हैं उनकी यहाँ पे कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, देख लेना। क्योंकि आपका मेडिकल होगा तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों की यहाँ पर उपस्थिति रह रही है, क्योंकि जब आपका फिजिकल था तो यहाँ पर 300 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे थे, 300 अभ्यर्थियों में से 50%, जी हाँ दोस्तों 50% अभ्यर्थी फिजिकल के लिए आ ही नहीं रहे थे, मतलब अब्सेंट रह रहे थे। मैंने देखा है दोस्तों 300 में से 150-150 अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर इतने अब्सेंट रह रहे थे, तो 5-10% अभ्यर्थी तो मेडिकल के टाइम भी अब्सेंट रहेंगे, या तो वो दूसरी नौकरी का ज्वाइन कर ली उन्होंने, क्योंकि राजस्थान हरियाणा यूपी इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों खास तौर से, क्योंकि कट ऑफ भी इनकी हाई गई है, पढ़ने वाले बच्चे भी इधर है ज़्यादा, और स्टेटों की तो अगर बात करें तो यहाँ पर तो 34-35-40-45 कट ऑफ गई है, तो 40-45 कट ऑफ गई है, तो यहाँ पर तो आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि एसएससी ने पहले ही निर्णय कर लिया कि हम ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे पास ही नहीं करेंगे, मेडिकल के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, और जिन स्टेटों में कट ऑफ थोड़ी बढ़ी है जैसे कि कट ऑफ यहाँ पर 40 तक चली गई, और वहाँ की बात करें तो वहाँ पर और एक आपकी लिस्ट आ सकती है, अगर आपके मेडिकल में क्वालिफाई नहीं होंगे बच्चे तो लिस्ट और काट दी जाएगी जो फिजिकल पास है उनके लिए, और उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो आपकी कट ऑफ बहुत सारे स्टेट है जहाँ की नीचे भी आ सकती है। लेकिन राजस्थान हरियाणा यूपी दिल्ली इनकी बात करें, जो मेजर आपके स्टेट है जहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, तो इनकी कट ऑफ दोस्तों नो टेंशन, आपकी कट ऑफ 0 पॉइंट कुछ बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आधा नंबर बढ़ सकती है, 1 नंबर मैक्सिमम है, 1 नंबर से ऊपर आपकी किसी भी हालत में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नहीं बनने वाली दोस्तों। जैसे आपके मेडिकल स्टार्ट हो गए, मैं डेली की आपके पास में रिपोर्ट भी लेके आऊँगा कि मेडिकल में कितने अभ्यर्थी यहाँ पे पास हो रहे, और अगर दोस्तों आपको मेडिकल का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा, हम आपको मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो आपको दे बताएंगे कि मेडिकल पैरामिलिट्री का मेडिकल कैसे होता है, उन अभ्यर्थियों से बात कराएंगे जो पैरामिलिट्रीज का मेडिकल दे के आए। बात कर लेते दोस्तों 2015 की कट ऑफ और 2000 आपकी जो 18 की एसएसजीडी है उसमें क्या अंतर है, जी हाँ दोस्तों 2018 अगर बात करें 2015 की, राजस्थान वालों हरियाणा वाले यूपी वाले इनकी कहा जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ है वो 2 नंबर हाई गई थी, जी हाँ दोस्तों 2 से 3 नंबर यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी थी। इसका कारण क्या था दोस्तों, फिजिकल के बाद में, जी हाँ दोस्तों फिजिकल के बाद में यहाँ पर सबसे पहले तो बात बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो हुआ था फिजिकल, फिजिकल में पास अभ्यर्थी थे उन सभी का यहाँ पे हुआ था क्या रिटर्न, तो रिटर्न में यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी और 10 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, रिटर्न पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, लेकिन इधर आपको सबसे पहले रिटर्न करवा दिया गया, फिर रिटर्न में आपके फिजिकल करवाया, फिजिकल में बाहर हो गए, और उसके बाद में एक कट ऑफ और निकाल दी गई उसमें भी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, तो फाइनल आपके मेडिकल के लिए मात्र 2.5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया, मतलब 2.5 अभ्यर्थी बात करें तो यहाँ पर आप तीन मान सकते हो, 3 में से एक बंदा आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपका मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और यहाँ पर भर्ती को चलते हुए लगभग 1 साल हो गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने दूसरी आपकी भर्ती है दूसरी ज्वाइन भी कर ली होगी, तो यही एक बड़ा कारण है दोस्तों। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, लेकिन अगर आपको मेडिकल का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम मेडिकल से रिलेटेड भी आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेके आएंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का मेडिकल कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले, क्योंकि आपका मेडिकल जनवरी के 2nd वीक में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, दोस्तों मैं बता देता हूं फिर से आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, तो फीमेल की अगर बात करें तो यहां पर लगभग बात करें तो 10,000 के लगभग फीमेल की वैकेंसी है, और फीमेल के यहां पर 20,000-22,000 जो गर्ल्स है वो यहाँ पे पास हुई है, मात्र 2 गुना जो गर्ल्स है वो यहाँ पे पास हुई है, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ कैसे बढ़ेगी दोस्तों, मेडिकल में मैं रेशियो बता देता हूँ दोस्तों 50%, जी हाँ दोस्तों 50%, अगर डॉक्टर अच्छा हुआ तो आप यहाँ पे 40% मान लो,
लेकिन 40 से कम रेशियो नहीं रहेगा, 50 से 40% अभ्यर्थी तो मेडिकल अनफिट होंगे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार का देख लो आप 2015 का, बहुत सारे अभ्यर्थी मेडिकल अनफिट हुए। तो यहाँ पर भी आपका एवरेज रेशियो का निकाले तो एक पोस्ट के लिए 2 अभ्यर्थी मैक्सिमम रहने वाले, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाले दोस्तों। तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का नहीं चांसेज है। फिर आपकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि SSC वेटिंग लिस्ट भी निकालने वाली है। कम से कम 10 से 12 हज़ार अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो दोस्तों आप नो टेंशन रहिएगा, आप मस्त रहिएगा, आपका मेडिकल होने वाला है, मेडिकल की तैयारी कीजिएगा। मेडिकल में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका कोई सोल्यूशन होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर भी आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको SSC GD कांस्टेबल के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।